color analysis. What is color analysis? Color analysis are based on your seasonal colors. मतलब आपके आई कलर, जो आई बॉल का कलर होता है, आपका हेयर का कलर होता है और आपका स्किन का कलर होता है, वो सब के हिसाब से मैं आपको बोलूँगी कि आपका राइट कलर कौन सा है, आप कौन से कलर में ज़्यादा अच्छे लगोगे, ज़्यादा शाइन होंगे, ज़्यादा ब्राइट लगोगे, ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी गिरेगी आपकी, राइट? अंडरस्टैंडिंग कलर, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू टर्मिनोलॉजीज और फिर मैं आगे समझाऊँगी तो आपके लिए ईजी रहेगा. फर्स्ट, ह्यू. What is hue? Hue is the name of the color. मतलब जैसा color है वही hue बोलते हैं उसको. Second, temperature. Temperature मतलब कि कैसे perceive करते हो. Cool, hot, warm, neutral. Yellow based colors are perceived as warm. White and blue colors are perceived as cool. And neutral is nor cool nor warm, right? So वो temperature हो गया. Third है value. Value क्या है? A color can be described light, medium, dark, medium light, ऐसा. और intensity, intensity क्या है? It is whether the color appears very clear or muted, bright या muted, वैसे. Your seasonal color range will complement the coloring of your skin, eyes and hair. चलो तो स्टेप्स है, इसमें तीन स्टेप्स है आपको जो ध्यान रखना है कि कौन से कलर डिटरमाइन होंगे आपको. फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन योर अंडरटोन, सेकंड स्टेप इज डिटरमाइन योर वैल्यू एंड थर्ड स्टेप इज डिटरमाइन योर क्रोमा. क्रोमा मीनिंग इंटेंसिटी. ओके, फर्स्ट स्टेप डिटरमाइन योर अंडरटोन. व्हाट इज अंडरटोन? राइट, अंडरटोन इज जो आपके स्किन टोन है उसके अंदर जो कौन सा टोन है वो देखना है. अब अंडरटोन कूल टोन होता है और वार्म टोन होता है. तो कूल टोन क्या होता है? कूल टोन ऐसा होता है इज एब्सेंस ऑफ वार्म्थ, आप में वार्म्थ नहीं होता है, डिस्टिंक्टिव कूलनेस होता है रेडिएटिंग फ्रॉम योर फीचर्स, यू नो, ऐसे येलोइश नहीं होती आपके, थोड़ी वाइटिश ब्लूइश होती आपकी. कैसे चेक करने का? तो आपकी जो वेन्स होती है ना, आप वेन्स देखो कौन से कलर की है. कोई लोग की ब्लू कलर होती है, कोई लोग की ग्रीन होती है, वो आपको पिंक भी होती है, यू नो, वो अंदर से पता चलेगा कि आपका कौन सा कलर है. स्किन हैज़ ऑब्वियस ग्रेश, ब्लू, पिंक और रेड अंडरटोन्स. वो अंदर आपके स्किन के अंदर आप वेन्स चेक करो कौन सी है. देखो, यू हैव क्लियरली ब्लू और पर्पल वेन्स, पर्पल भी हो सकती है, तो आप कूल टोन हो. एंड योर बेस्ट लुक इज़ इन सिल्वर ज्वेलरी. कितने लोग होते हैं जैसे गोल्ड ज्वेलरी सूट नहीं होती, सिल्वर बहुत सूट होती है, तो वो कूल टोन है. यू आर अ कूल पर्सन, अ कूल टोन, अ कूल एस्पेक्ट, राइट? सेकेंड इज वार्म टोन. अब वार्म टोन कैसे देखते हैं? वो ऑब्वियस है, अब वार्म्थ दिखता है, रेडिएटिंग होता है, फीचर्स के साथ अच्छे दिखते हैं, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कूलनेस होता है उसमें. स्किन हैज़ एन ऑब्वियसली येलोइश टच, गोल्डन टच एंड अर्थी या पीची अंडरटोन्स होते हैं. अब मैंने बोला था ना यहाँ आप चेक करो, वो थोड़ा येलोइश आ ही जाता है. मोस्टली इंडियंस में येलो और एशियंस में वार्म्थ ही दिखता है, पर कहीं लोग होते हैं जिसका कूल अंडरटोन होता है, जैसे नॉर्वे में लोग का देख लो, मोस्टली उनका कूल अंडरटोन होगा बिकॉज ऑफ द वेदर एंड द कल्चर ओवर देयर, राइट? थर्ड, नेक्स्ट है यू हैव क्लियरली ग्रीन वेन्स. हमारे इंडियंस में ग्रीन वेन्स बहुत होती है. यू लुक द बेस्ट इन गोल्ड ज्वेलरी, आप पे गोल्ड ज्वेलरी बहुत सूट होगी. आप जब गोल्ड ज्वेलरी पहनोगे आपके फीचर्स इतने एनहेंस हो जाएंगे, राइट? आप साउथ इंडियंस को देखो, दे आर अ लिटिल गोल्ड अंडरटोन एंड दे रियली हैव गुड एनहेंस्ड फीचर्स व्हेन दे वेयर गोल्ड. स्टेप टू, डिटरमाइन वैल्यू. What does that mean? Value is light or dark. हम देखते हैं आपका value light है या dark है. पहले light. Light कैसे होता है? मतलब absence of depth in your features, right? Your skin, eyes, hair are light for your ethnicity. मतलब आप जो culture से आ रहे हो वो हिसाब से आपका थोड़ा light है. या फिर contrast between your skin, hair and eyes. Sudden contrast है, आपके बाल बहुत black है पर आप बहुत fair हो, राइट? और आपके आईज बहुत ब्राउन है, तो वो कितना कॉन्ट्रास्टिंग हो गया. ऐसा कॉन्ट्रास्ट बिटवीन योर स्किन, हेयर एंड आई कलर इज़ लो.
maybe medium for darker ethnicities, but it's quite low. मतलब उतना contrast नहीं होता, सब एक same जैसा ही लगेगा आपको. You can be light seasoned if you are not Canadians, means Caucasians. Dark value क्या होता है? Dark value ये होता है कि आपका hair और eyes have depth. They have depth and they look dark. Features are dark for your ethnicity. आपके आपके culture से आपके tone, आपका features थोड़े dark हैं और उसमें certain depth है, थोड़ा depth दिखता है उसमें. Contrast between your skin, hair and eye color is medium to high, meaning बहुत ज़्यादा है difference और बहुत कम है, ऐसा नहीं है. जैसे क्या होता है, लाइट में बहुत कम डिफरेंस होता है, पर हमारे जब डार्क होते हैं हम, तो ब्लैक हेयर एंड वाइट फेस इज डार्क वैल्यू, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखता है आपको. फीचर्स आर डार्क इन रिलेशन टू योर एथनिसिटी, राइट. आप देखो आप लाइट हो या डार्क. स्टेप 3, डिटरमाइन क्रोमा. यू आर म्यूटेड और ब्राइटेड. म्यूटेड क्या होता है? म्यूटेड मतलब लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन योर फीचर्स, मतलब कॉन्ट्रास्ट कम होता है आप में और आप ऑब्वियस ग्रेनेस थोड़ी आ जाती है, यू नो ग्रे कलरिंग आता है. इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग योर फीचर्स आर ऑल वेरी वेरी सिमिलर एंड आर ब्लेंड टुगेदर, मतलब वो पूरे ब्लेंड हो जाता है आपके फीचर्स. इतना अच्छा फीचर्स ब्राइट नहीं है, मतलब ब्राइट है, बहुत अच्छे फीचर्स आपके, पर आपका जो टोन आप ओवरऑल देखो तो वो म्यूटेड हो जाता है, मतलब एक सिमिलर लगता है. You can be the first appear to be light also, but you have a richer look, you know. Light or muted bhi ho sakte ho, or light or dark bright bhi ho sakte ho. So it's up to you, up to your appearance. Bright, bright mein kya hota hai? Noticeable clearness hota hai and saturation of your features. You have a very saturated features. No grayness in your coloring. Your features don't blend, but contrasting and clearly stand out against each other. मैंने जैसा बोला bright लगोगे आप, मतलब contrasting features होंगे आपका, वो बाहर आएगा. अब देखते हैं seasonal color analysis. जैसे आप chart पे देख रहे हो, मैंने चार में divide किया है, winter, spring, summer and fall. ये चार type के seasons होते हैं और उसके अलग अलग color palettes होते हैं. इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से सीज़न के हो. चलिए देखते हैं आपका कौन सा सीज़न है. फर्स्ट विंटर. अगर आप ब्राइट हो, कूल टोन्ड हो और डार्क हो तो आपका विंटर पैलेट है, मतलब ब्राइट विंटर, ट्रू विंटर, डार्क विंटर टाइप्स. अगर आप स्प्रिंग हो तो आप ब्राइट हो, वार्म हो और लाइट हो, मतलब आप स्प्रिंग हो. अगर आप समर कलर एनालिसिस हो तो समर इज़ लाइट, कूल एंड म्यूटेड, राइट. वो सॉफ्ट समर होगा, ट्रू समर होगा और लाइट समर होगा. अगर आप फॉल सीजन के हो तो फॉल सीजन इज़ डार्क, वार्म एंड म्यूटेड. आप डार्क स्किन, वार्म और म्यूटेड होंगे. सो दीज आर द फोर सीजन्स.